गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अभी टाइम हो रहा है 2:50 और आज हमें जाना है माता मंदिर तक। नीलबड़ से माता मंदिर जाना है। तो आज ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, तो आज हम दोनों पैदल जाएंगे आज यहाँ से माता मंदिर तक। तो देखते हैं कैसा सफ़र रहता है हमारा यहाँ से माता मंदिर तक का। तो हम मिलते हैं अभी आगे आपको। फाइनली हम निकल गए घर से। ये मेरा नहीं, मेरे दोस्त का घर है। चलें भाई, हेलो। अब देखते हैं क्या सीन होता है आगे चलते चलते, कैसा कैसा लगता है हमें पैदल चलने में। बहुत टाइम बाद आज हम पैदल चलेंगे इतना लंबा। तो चलें आगे, मिलते हैं। हम फाइनली मेन रोड तक पहुंच चुके हैं। अभी मेन रोड से एग्ज़िट 8 किलोमीटर दूर है माता मंदिर। देखते हैं क्या होता है। या तो ऑटो मिल रहा है तो ऑटो से निकलते हैं। सामने खड़ा है, पूछते हैं भाई कितने पैसे लेगा। भाई पैदल जाने की जो लाइन थी वो पूरी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं ऑटो से। हम ऑटो से जाएंगे क्योंकि तो देखो धूप बहुत तेज हो रही है और मौसम अपने आप अटपटा हो रहा है। कभी बारिश का मौसम हो रहा है, कभी धूप हो रही है, तो ऐसे मौसम में जाने से कोई मतलब नहीं है पैदल। और हमारे इधर का जो है रोड भी ख़राब हो रहा है। तक तो हम उतर गए जैसे तैसे। अब हम जाएंगे पैदल पैदल माता मंदिर तक। तो आगे देखते जाइए आप लोग प्लीज। ऊपर से चलो, पैदल चलते चलते डिपो से PNT तक पहुंच गए। अभी तो और लंबा जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलते जाओ, देखते हैं क्या होता है हमारा चलते चलते। चले जा रहे हैं। कभी धूप तो कभी इतनी प्यारी छांव। देखो चलते जाएंगे अब, जहाँ तक मंजिल है वहाँ तक पहुँचना ही है। चलते चलते थक जाएंगे पर पता नहीं कब मंजिल आएगी। नहीं आएगी, जल्दी आएगी मंजिल, आएगी। म्यूजिक गाइस, इस प्राणी को एक जीव मिला है अंदर केकड़ा। तो ये केकड़ा पकड़ कर ले जाएगा, कह रहा है मैं आज उसको निकाल कर ही मानूंगा। देखते पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। Two hours later बेटे डंक पकड़ने पड़ेंगे उसके। देखना हाथ मात मत तो चकवा लेना, बड़ा है वो। देखो भाई ये रिक्स ले रहा है। चल मैं अब चुप रहूंगा जब बाहर आएगा तो। वो उनको इनका दिखता नहीं है, सुनाई देता है। फाइनली भाई ने हार मान ली है कि अब नहीं पकड़ रहे। अपन चल रहे हैं भाई, अपन जिस काम के लिए आए हो रहा है, घर भी जल्दी जाना है। हाँ, और घर भी वापस जाना था हमें, तो हम जिस काम के लिए आए हम वो काम करने जा रहे हैं। काम नहीं दिखाऊंगा पर। पहुंच गए भाई हम हमारी मंजिल पे। हमारी हालत देखो पैदल चल चल के आने पे। थक गए, पसीना आने पे, पसीना आ रहा हमें। ट्राइपॉड लेना पड़ेगा यार एक। क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत ही दुकानें खुली है, जो काम काम की दुकान है। बाकी कोई फालतू दुकानें नहीं खुली है। जा रहे हैं शॉर्टकट से घर। हमारा जो काम था हमने ख़त्म कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। साइड में चेकिंग लगी थी तो इसलिए हमें इस साइड से जाना पड़ रहा है। वैसे भी ये गाड़ी हमें ज़्यादा दूर तक नहीं छोड़ेगी। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, फिर बताएंगे आपको आगे का कैसा क्या माहौल है।
क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर बनने। तो भैया ये है दूसरा रास्ता हमारा, बंद है क्या गेट? ये है भदभदा गेट। जगह में पानी है, जगह नहीं, रोड अच्छी बड़ी है। अरे नहीं है बे, मैं कितने बार गया हूँ, अरे मेरी बात माना कर। तो यहाँ चल रहा भाई रोड का काम, यहाँ एक टाइम पे भरा होता था पूरा में पानी, अब देख लो वो उधर अभी भी पानी है थोड़ा सा, वहाँ से नहीं निकला। बाकी यहाँ पे इन्होंने पूरा लेवल कर दिया है, रोड का काम चल रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं खदान पे से आ रहा है भाई। पानी फ्लो ज्यादा आता है तो रोड बनेगा, तो सिर्फ इतना पुल बनेगा, ऊंचाई में बनेगा। अबे ये कोपरा वगैरह तो वहां से आ रहा है ना खदान पे से पूरा। तो राहुल भाई कैसा लग रहा है आपको पैदल चलने में? चल चल के देखो, टोपी पहनना पड़ रही है। ज़्यादा नहीं चल रहे हम, सुबह जब जा रहे थे दिन में तब हम थोड़ा सा ही चले थे, ज़्यादा नहीं चले थे। फ्रंट कैमरा करके दिखाता हूँ, जब हम जा रहे थे सुबह तब हम ज़्यादा नहीं चले थे, थोड़ा ही चले थे डिपो से माता मंदिर तक। और अभी भी ज़्यादा नहीं चले हम, भदभदा से सूरज नगर वाले रास्ते पे हैं, ज़्यादा नहीं चले हैं। पर धूप के कारण हमारी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, और ना हमें ऑटो मिल रहा है ना हमें कोई साधन मिल रहा है, तो हम पैदल चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। जहाँ हमें साधन मिलेगा हम वहाँ से ऑटो वगैरह जो भी मिलता है फिर हम ऑटो करके ऑटो में जाएंगे। भाई सूरज नगर पहुँच के हमें ई रिक्शा मिला था पर वो भी भग गया। ये देखो क्या इंटेक इंसान है, वहाँ पे वहाँ जो चौकी बनी है ना वहाँ पे रोका था, कहता आगे रोकता हूँ। मैंने ठीक है आगे रोक ले भाई, आगे रोका तो फिर वो भग गया। अजीब इंसान ने कहता आ गया हो, मैंने ठीक है हमने दौड़ लगाई हमें और बस वैसे ही हम पसीना पसीना हो रहे हैं पैदल चल के, ये इंसान हमारा काट के चला गया यार। चलिए हम घर के पास पहुंच चुके हैं, तो ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो और अच्छा आएगा, हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा अच्छा बनाएं। आप लोगों को और अच्छा पसंद आए तो आप लोग और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।